शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसा एहसास है, कैसी तड़प है, कौन सा रिश्ता है ये? कहीं मुझे अंजलि से प्यार तो नहीं हो गया? कहाँ हैं आप यश जी? हम चाहते हैं कि हमारे अंतिम समय में हमारा पूरा परिवार हमारे साथ हो। 90 दिन के आखिरी पल खत्म और अंजलि की जीवन लीला भी। पूरा विश्वास था कुछ नहीं हो सकता अंजलि को, अंजलि तुमने करवा चौथ में चांद को देखकर मेरी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की थी ना, लेकिन आज मैं उगते सूरज को प्रणाम करके तुम्हारी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें खुशी है कि अंजलि की जान बच गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली बार हमारी ज्योतिष विद्या, हमारी गणना गलत साबित कैसे हुई? अंजलि, अब सबसे पहले मैं तुम्हारा व्रत तोड़वाऊंगा। सबने एक दिन का व्रत रखा, लेकिन तुमने 10 दिन का व्रत रखा, वो भी निर्जला। बस तुम ही कर सकती हो। मैंने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। लेकिन तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत थी रिचा? रखा तुमने करवा चौथ का व्रत? तुम्हारे लिए यश, ये तो गलत बात है। आप पहले रिचा का व्रत तोड़वाइए।
गई अलका। क्या हुआ ताई जी, अंजलि मर गई? अंजलि के गोपाल जी ने तेरी सारी छांव पर पानी फेर दिया, अंजलि बच गई। अब आप लोगों की यहां पर कोई जरूरत नहीं। बेकार में साड़ी की स्त्री खराब की, अब सबके घर लौटने से पहले बदलनी पड़ेगी। पापा, छोटी दादी, हम अंजलि को घर ले जा सकते हैं। अंजलि बच गई, उसके गोपाल ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। चलिए उसे घर लेकर चलते हैं, वे सब साथ में मिलकर खुशियां मनाएंगे। वैसे अंजलि अस्पताल से कहां जाएगी, मतलब गर्भवन या अग्रवाल सदन? यार जी, झूठ ना बुलवाएं। वैसे यश और अंजलि की शादी के 90 दिन तो पूरे हो चुके हैं, इसीलिए कायदे से तो अब उसे अपने मायके चले जाना चाहिए ना। हाँ, बात तो सही है, जो कायदे से रहेगा वही फायदे मिलेगा। अंजलि कहीं और नहीं, हमारे साथ हमारे घर जाएगी। अंजलि की इच्छा है कि वो दीपावली मनाए, इसलिए वो हम सबके साथ दीपावली का त्योहार मनाएगी। उमा, बेटा अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी शुरू कर। बेटा, अंजलि को घर ले जाने के लिए तैयार कर। दर्शन करते हुए चलते हैं। चलो।
दोनों यही रुक जाओ। उमा, अंजलि अभी भी हमारे घर की बहू, जाओ इसकी आरती उतार और गृह प्रवेश करवाओ। यश, तुम अंजलि के साथ खड़े हो जाओ। अस्पताल में इतने लोग मरते हैं, ये भी मर जाती तो क्या बिगड़ जाता। बच के आ गई मेरी छाती पे मूंग डालने, फिर से रोज रोज इसकी मनुष्य शक्ल देखनी पड़ेगी। हैप्पी दिवाली। सुबोध, अब तुम लोग भी जाके दिवाली के लिए तैयार हो। उमा, तुम बाकी की तैयारियां देखो। हिमांशु, यश, बेटा अंजलि को अंदर कमरे में लेके जा, थोड़ा आराम कर लेगी तो अच्छा है। रिचा, तुम भी दिवाली के लिए तैयार होकर आ जाओ। सुबोध, आ भाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमांशु, अरे हाँ केशव, ये लेके जाओ। बांके बिहारी बस अपनी कृपा इसी तरह बरसाते रहे। बहुत हो गया, अभी आखिरी तमाशा होगा तो अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे तमाशे ना रोज रोज होने चाहिए, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो। हमें तो अंजलि का आभारी होना चाहिए। बिल्कुल, चलो आओ। आजा, बचपन से ही ना हमें दिवाली का त्योहार बहुत पसंद है। जगमगाते दिए, झिलमिलाती लड़ियां, एक दूसरे से खुश होकर मिलते हुए लोग, हवा में तैरती मुबारक हो की ध्वनि, और हाँ, अमावस की रात में भी चारों तरफ फैली हुई चांदनी की सी रोशनी, और छज्जू जी के रसगुल्ले। मुंह खोलो। आ आ आ, 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 आ। दिवाली और नई जिंदगी के लिए मुबारक। Thank you.
कहीं सुना था पर यकीन नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि लोग सच कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत से पति और पत्नी 7 जन्मों के बंधन में बन जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे करवा चौथ के व्रत के बाद हम भी 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। यह काफू अब कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर अब अंजलि और मेरी शादी का बंधन नहीं टूट सकता। अंजलि से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम अंजलि से प्यार कैसे कर सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अंजलि से प्यार नहीं कर सकते। हाँ? क्या बात है, आप यहां अकेली बैठी क्या सोच रही? मुकेश, पता नहीं क्यों हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमारा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यश और अंजलि की शादी एक शर्त के मुताबिक खत्म हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यश? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो मुझे धोखा? रिचा, क्या कर रही है? रिचा, क्या हो गया है तुझे? रिचा, कुछ भी सोचे जा रही है? अरे, किसने कह दिया तुझसे कि यशी को हमसे प्यार है? अरे, तेरे दिमाग में भी कहां से आई ऐसी बात रिचा? ये कैसा एहसास है? कैसी तड़प है? कौन सा रिश्ता है ये? मुझे अंजलि से प्यार तो नहीं हो गया? चुप क्यों है यशी? बताइए ना रिचा को कि आपको हमसे कोई प्यार व्यार नहीं है और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। आपका हाथ दीजिए हमें। अरे दीजिए ना रिचा,
तेरी अमानत तुझे सौंपते हैं। दोनों एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करना हमेशा। हमारा तो बस 90 दिन का रिश्ता था, 90 दिन खत्म और ये रिश्ता खत्म। यश जी तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। तो तूने यश का हाथ क्यों पकड़ा है? ताकि हम इनका हाथ तेरे हाथ में थमा सके। यशी, आज से हमारा रिश्ता खत्म। आज आप सबके साथ दिवाली मनाकर हम वापस अपने लाला जी के घर चले जाएंगे। लाला जी, बस जल्दी से जल्दी यश और मेरी शादी का मुहूर्त निकलवाइए। क्या हो रहा है? यश और ऋचा की शादी की सारी बाधाएं दूर हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि इन दोनों की शादी में और देरी हो। आप भी अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए ना। जब तक हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, हम यश और ऋचा की शादी की अनुमति नहीं दे सकते। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।